नमस्कार, मैं हूं धनश्री, केकेआर न्यूज में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की। अछावन में सोमवार को नगर परिषद चुनाव प्रक्रिया के तहत नामांकन पत्रों की जांच रिटर्निंग अधिकारी विष्णु प्रसाद यादव एवं जांच दल के द्वारा 86 अभ्यर्थियों के जमा नामांकन पत्रों की जांच की गई है, जिसमें अछावन नगर परिषद के पूर्व अध्यक्ष प्रतिनिधि कृपाल सिंह वर्मा के नामांकन पत्र आपत्ति के कारण निरस्त हो गया है। वे चुनाव मैदान से ही बाहर हो गए हैं, जबकि वार्ड क्रमांक 11 से भी निर्दलीय प्रत्याशी रानू मालविया का नामांकन पत्र भी निरस्त हुआ। वहीं 4 नामांकन डुप्लीकेट डबल होने से अमान्य। जांच के बाद 80 प्रत्याशी मैदान में शेष है। अभी कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की सूची मंगलवार दोपहर तक जारी नहीं की थी। कांग्रेस ने वार्ड क्रमांक 1 में किसी भी कांग्रेस के उम्मीदवार ने नामांकन जमा नहीं किया था। कांग्रेस ने वार्ड क्रमांक 1 में भाजपा और निर्दलीय के आगे आत्मसमर्पण कर दिया। अब कल नाम वापसी के बाद ही पता चलेगा 80 शेष नामांकन पत्रों में कौन कौन अपना नाम वापस लेता है, जबकि भाजपा ने पहले ही अपने उम्मीदवारों के नामों की सूची वार्ड 1 से 15 तक जारी कर दी है। कांग्रेस में बगावत के चलते कांग्रेस समर्थक प्रत्याशियों को सूची का इंतजार है। बताया जाता है कि मंगलवार को शाम तक कांग्रेस के प्रत्याशियों की सूची जारी होने की संभावना है, लेकिन कांग्रेस में बगावत थमने का नाम ही नहीं ले रही है। इछावर से जलील खान की रिपोर्ट। ऐसे ही खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।